ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आफ्टर न्यू मून और जो कल का सोलर एक्लिप्स था, उसके बाद का एनर्जी अपडेट जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कल का जो वीडियो मैंने सोलर एक्लिप्स पर डाला था, उसमें बहुत से लोगों ने कहा था कि मैम आपकी आवाज़ कम आ रही है, वो बिकॉज़ ऑफ आई एम नॉट वेल, तो थोड़ी मेरी आवाज़ पे इसका अफेक्ट लग रहा होगा आपको। बट मैं ऑलवेज़ ट्राई करूँगी कि मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल बुलंद आवाज़ में आपको एनर्जी अपडेट दिया जाए, ठीक है? और साथ ही बहुत से लोग अपने ड्रीम्स शेयर करते हैं एनर्जी अपडेट के जो कमेंट्स होते हैं उसमें। बहुत से लोग शेयर करते हैं कि मैम हमें ये ड्रीम आया था, इसका क्या मतलब है, हमें इस तरह का ड्रीम आया, ये क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, ठीक है, वो गाइडेंस आपको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। बिकॉज मैं इंडिविजुअली सबकी जर्नी के बारे में नहीं जानती, तो मैं कैसे सबको बता सकती हूँ कि आपके ड्रीम का क्या मतलब होगा उसके लिए। जो भी ड्रीम्स या गाइडेंस आपको यूनिवर्स के थ्रू मिल रही है, उसे डीकोड करने की कोशिश कीजिए खुद से, ठीक है? आपको अंदर से क्या इंट्यूशन आ रही है, उससे क्या गाइडेंस मिल रही है, आपके लाइफ में, आपकी जर्नी में इस टाइम क्या स्टेज चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप उस ड्रीम को डीकोड किया कीजिए। और आप गूगल पे हेल्प ले सकते हैं कि इस चीज़ को दिखने का मतलब क्या है, किसी को कोई बटरफ्लाई दिख रही है या कुछ भी, जो भी ड्रीम है, गूगल पर इससे रिलेटेड बहुत से वीडियोस होते हैं कि ड्रीम में इसको दिखने का, या इसको कोई ऐसी एनिमल है या कुछ भी ऐसा बर्ड है आपको दिखने का स्पिरिचुअल मीनिंग सर्च किया कीजिए। उसके साथ आप इस ड्रीम को, जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, उसको अपनी लाइफ के साथ, जो भी आपके सिचुएशंस चल रही हैं उसके साथ डीकोड करने की कोशिश खुद से किया कीजिए, ठीक है? यूनिवर्स जब भी गाइडेंस देते हैं, बिल्कुल क्लियर गाइडेंस देते हैं, उसे आपकी इंट्यूशन उसको फॉलो करेगी, उससे डीकोड करेगी और आप खुद से उस चीज़ को समझ पाएं। तो आपको इतना कॉन्शियस बनना है अब, ठीक है, बजाय कि किसी और से पूछने के, बिकॉज हर कोई आपकी सिचुएशन के बारे में नहीं जानता है ना, सबकी जर्नी अलग अलग है, तो आप खुद से उस चीज़ को डीकोड करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है? तो एक तो यही मुझे आप सभी लोगों से कहना था, और दूसरा हम लोग शेयर करेंगे अब जो एनर्जी अपडेट हमारा रहा है आफ्टर जो हमारा ये सोलर एक्लिप्स रहा है, ठीक है? तो जैसा कि आपको मैंने बहुत से अपने रीसेंट वीडियोस में बताया है कि मैस्कुलाइन एनर्जी की अवेकनिंग चल रही है, अवेकनिंग का प्रोसेस हाई पीक पर है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, कल का जो ये मून गया, हमारा सोलर एक्लिप्स गया है, और साथ में जो हमारा न्यू मून था, इसका ऑफ कोर्स कल के दिन बहुत सी फेमिनाइन ने बहुत पीस फील की होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रही होंगी बहुत सी फेमिनाइंस, ठीक है? हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना भी करे, तो जिसके साथ रेजोनेट नहीं करता उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जिनके साथ रेजोनेट करे वो इसको रखें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो जिन भी फेमिनाइंस बहुत ज़रा बैलेंस में थी, बहुत ज़रा पीस को फील कर रही थी अपने अंदर, ठीक है, इसका उनके मैस्कुलाइन एनर्जी पर बहुत ज़रा अफेक्ट देखने को मिला है, ठीक है? मैस्कुलाइन एनर्जी की लाइफ में इस टाइम पर टावर मोमेंट जैसी सिचुएशंस पैदा हो रही हैं, कार्मिक से उनको ट्रिगर मिल रहे हैं, कार्मिक एंडिंग्स हो रही हैं, और जिस भी चीज़ के पीछे वो बहुत ज़्यादा भाग रहे थे ना, अब उनको उसी चीज़ से डिससेटिस्फेक्शन हो रही है। अगर उनकी लाइफ में मनी के ज़्यादा इश्यूज थे, तो वो मनी के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, तो उनको और ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं इस टाइम पर। अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो उनको थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिल रहे हैं, उनकी कोई मैरिड पार्टनर हो, कोई स्पाउस हो,
कोई फैमिली हो, पेरेंट्स हो, इस तरह से बहुत से डीएम्स को इस टाइम बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और उनके जो इस टाइम पर उनको चाहिए सिर्फ पीस। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट फैमिनाइन एनर्जी पर ये पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस में है फैमिनाइज, उसके बावजूद बहुत सी फैमिनाइज अपने हार्ट में हैवीनेस या कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन फील करती हैं। किसी किसी टाइम बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेंज पेन आप लोगों को फील होता है अपने हार्ट चक्रा में, या फिर हैवीनेस फील होती है अपने हार्ट चक्रा में। तो ये आप अपने मैस्कुलिन की एनर्जी पिक करती हैं, बिकॉज इस टाइम उनका हार्ट चक्रा इस बहुत ज़्यादा हैवी है, हैवी कर्मा बैगेज वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन वाली सिचुएशन है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इस टाइम उनका पीक पर है। इस टाइम पर बहुत से मैस्कुलिन हो सकता है अपनी फेमिनाइन के साथ कॉन्टैक्ट में हो, वो शेयर करते हों, बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहे हैं, वो खुद से ही बिना वजह अपने आप से ही इरीटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो उनकी फेमिनाइंस उस एनर्जी को पिक कर पा रही होंगी। अचानक से फ्रस्ट्रेशन, इरीटेशन, एंगर, ये सब कुछ आप लोग रिसीव कर पा रहे हो, लेकिन आपकी खुद की एनर्जी एकदम बैलेंस्ड और पीस वाली आप लोग फील कर रहे हो। यही कन्फ्यूजन है आप लोगों को कि हम लोग एकदम बैलेंस्ड हैं, एकदम पीस में हैं, उसके बावजूद क्यों अचानक से एकदम पेन होती है, या एकदम हम डिसबैलेंस हो रहे हैं, या हमें हैवी एनर्जी लग रही है। और अगर आप लोग इस टाइम पर कोई फिजिकल हेल्थ इशू फेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके मैस्कुलिन एनर्जी का ही रिफ्लेक्शन आप पर है ये इस टाइम पर। ठीक है, बिकॉज इस टाइम पर हेल्थ इश्यूज भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मैस्कुलिन्स को, और वही फेमिनिन एनर्जी मिरर कर रही हैं, तो उनको भी इस चीज़ का इफेक्ट देखने को खुद पर मिल सकता है। बट इनर पीस जो फेमिनिन्स है इस टाइम पर फील कर पा रही हैं कि अपने अंदर जो एक बैलेंस होता है वो मेंटेन है उनका। बेशक आपकी फ़िज़िकल बॉडी में आप लोगों को पेंस या सफरिंग देखने को मिल सकती है, हैवीनेस देखने को मिल सकती है, बट आप मेंटली बिल्कुल पीस में हैं इस टाइम पर। तो जो भी आपके मैस्कुलिन इस टाइम पर पर्जिंग से गुजर रहे हैं, असेंशन के टाइम से वो गुजर रहे हैं, तो उसका थोड़ा बहुत मिरर इफेक्ट आप लोगों पर पड़ रहा है। इस चीज़ में आपको डिटैचमेंट में ही रहना है, उनको उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। कहीं मैं कॉल करके पूछ लूँ कि मैम पता नहीं क्यों हो गया, मैं एक बार फ़ोन करके पूछ लूँ कि उनकी तबीयत ठीक है नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर। आप लोगों को उनको टेलीपैथिकली सपोर्ट करना है, एनर्जेटिकली सपोर्ट करना है। 3D वर्ल्ड में, 3D रियलिटी में अगर आप कोशिश कर रहे हैं उनको कांटेक्ट करने की, उनको कॉल करने की, हो सकता है आपको ब्लॉक कर दें वो, बिकॉज वो बहुत ज़रा इरिटेट हैं, बहुत ज़रा फ्रस्ट्रेट हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो बजाय कि उनको परेशान करने के, उनको कॉल्स करने के, उनको बहुत ज़रा सपोर्ट करने के, आप एनर्जेटिकली सपोर्ट कीजिए, प्रे कीजिए यूनिवर्स से। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, नहीं बात कर पा रहे हैं बिकॉज वो अभी खुद की ही लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, तो एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अगर आप लोगों से कुछ शेयर नहीं भी कर रहे हैं तो करेंगे, उन्हें टाइम दें, उन्हें इस टाइम पर पूरा स्पेस दें, खुद से उनकी अवेकनिंग होगी, खुद से उनका असेंशन होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं यही गाइडेंस दूंगी फेमिनाइंस, इस टाइम पर आप खुद पर फोकस करें, अपने इनर वर्क पर फोकस रहें, उन्हें उनका पूरा स्पेस दें, अपने आप से उनकी अवेकनिंग होगी, बस आप उनको एनर्जेटिकली सपोर्ट करें, टेलीपैथिकली उनको हीलिंग दे सकते हैं, बजाय के उनको 3D रियलिटी में फ़ोन से कॉन्टैक्ट करने के, मैसेज करने के, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन में आके आपको ब्लॉक कर दें। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है इस टाइम पर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाएंगे और इस टाइम पर मैस्कुलिन एनर्जी को एनर्जेटिकली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बट ध्यान रखना है कि आपको अपने इनर वर्क पर भी फोकस रहना है।
तो यही था आज के लिए एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों से रेजोनेट किया होगा। जिनसे भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।